हमजा हुसैन राणा और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जी हम बात करेंगे इस जो है वो हमारे पास टॉपिक पे, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी जो फाइल है, आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं अपलोड करने हैं। बाय द वे ये एक पूरी जो है वो मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसमें कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करें, स्कैन से लेकर सब कुछ जो है बताया हुआ है उस वीडियो को भी इसी चैनल पर आपको मिलेगी, देखिएगा। लेकिन ये स्पेसिफिकली फॉर्मेट से रिलेटेड है कि आप जो है वो फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं फाइल का ऑनलाइन। तो नॉर्मली होता ये है कि आपने क्लियरली ये देखना है कि उसने फॉर्मेट क्या मांगा हुआ है आपसे, आप किससे जेपीजी मांगी है या आपसे पीडीएफ मांगा है। ज़्यादातर दोनों फॉर्मेट जेपीजी होता है, इमेज फॉर्म में होता है और पीडीएफ फॉर्म में होता है। सो आपने करना ये होता है कि आपने उसको कन्वर्ट करना होता है, या आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्म में है आपने उसे पीडीएफ में अपलोड करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने सीवी बनाई है तो वो सीवी जो है, फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट्स की कुछ लिस्ट कोई भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट, वैसे ये लिस्ट बनाई थी मैंने तो उसमें लेट से सीवी ऐड कर देता हूँ। तो सीवी है, आपने वो सीवी डॉक्यूमेंट में बनाई, उसको आप पीडीएफ में जो है वो कैसे करेंगे, आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन सर्च करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, सो दे रियली कन्फ्यूज और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से उन्हें बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो सामना करना पड़ता है। सो यहाँ पर जो है वो एक साइट सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा और इस साइट का नाम है जी हमारे पास पीडीएफ, और ये इसमें देखें ज़रा, इसमें पीडीएफ कंप्रेसर लिखा हुआ है, लेकिन ये कि आप देखें ये पीडीएफ टू डॉक है, यानी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक्चुअली ये एक ग्रुप ऑफ साइट है, इसमें सारे ही ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आपने देखना ये है कि आपका डॉक्यूमेंट है किस फॉर्मेट में, जेपीजी में है, पीडीएफ में है, डॉक्यूमेंट यानी वर्ड टाइप जो फाइल है उसमें है, और अब आपने देखना है आपने उसको कन्वर्ट किस में करना है। आपने जेपीजी से पीडीएफ में करना है, डॉक से पीडीएफ में करना है, कहाँ किस में करना है, तो उसके लिए ना यहाँ पर देखें सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, ठीक है जी। अच्छा ये वाला ऑप्शन वैसे वर्ड में जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव करते हैं ना फाइल को, तो वहाँ पर भी ऑप्शन नीचे आ रहा होता है फॉर्मेट का कि आप डायरेक्टली वर्ड से ही पीडीएफ में सेव कर लें, तो ये तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पर भी आकर आप अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद आप पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पीडीएफ है और आप उसको जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, फिर जेपीजी से पीडीएफ में करना चाहते हैं, पीडीएफ से पीएनजी, ये भी एक फॉर्मेट है इसका इमेज का, इसमें हमारे पास पीएनजी है, पीएनजी से पीडीएफ में, पीडीएफ कंप्रेसर है, ठीक है जी। इससे बारे में मैंने एक अलहदा भी वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से अपनी इमेज और जो फाइल्स हैं उनका साइज रिसाइज कर सकते हैं, कैसे उनको कंप्रेस कर सकते हैं, एक पूरी वीडियो जो है उसके मतलब बनी है, तो वो आप वहाँ से भी इसको जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पीडीएफ को कंबाइन कर सकते हैं, आपके पास चार पांच पीडीएफ आप चाहते हैं वो चारों पांचों एक ही जो है ना वो पीडीएफ में आ जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है लेट से आपने जो है वो एक सीएनआईसी, एक तो ऑप्शन ये होता है ना कि सीएनआईसी की फ्रंट पिक दोबारा अलहदा से करें, बैक अलहदा से करें, लेकिन एक फॉर एग्जांपल आपसे मांग लेते हैं कि आप अपना सीएनआईसी भेजें दोनों उसके साथ, अब आप इमेज की फॉर्म में कैसे भेजेंगे, तो इमेज की फॉर्म में तो दोनों ही भेजने पड़ेंगे, दो फाइल डिफरेंट, अगर वो एक ही फाइल में भेजना है तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसकी फ्रंट की और बैक की इमेज लें, उसको जो है ना पीडीएफ में यहाँ से कन्वर्ट करें, ठीक है, ये देखें पीडीएफ सॉरी जेपीजी से पीडीएफ, हाँ यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट करें, और फिर क्या करें आप पीडीएफ कंबाइन पे जाएं, यहाँ पर कंबाइन पीडीएफ में जाएं, तो वो क्या करेगा, वो दोनों पीडीएफ को अपलोड करें उनको, वो आपकी दोनों को कंबाइन एक ही फाइल में कर देगा, तो अब आपकी जो सीएनआईसी की कॉपी है वो डायरेक्टली एक ही जो है वो पीडीएफ की शक्ल में चली जाएगी। सो दैट्स द प्रोसेस जी कन्वर्जन का। इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।